स्टूडेंट्स से और युवाओं से, 8 तारीख को तिरंगा यात्रा होगी और वहां पे संबोधित करेंगे पब्लिक को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों इन सभी प्रोग्राम में साथ में रहेंगे, आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जब सूचना उनको मिली तो एक आस की किरण उनके मन के अंदर जागी कि हिंदुस्तान, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, हरियाणा के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर वन देश बने। यहाँ पे किस बात की कमी है? खनिज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, ऋतुएं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ नदियां सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल ब्रेन सबसे ज्यादा है, परंतु हम दुनिया में पीछे रहते जा रहे हैं। हरियाणा भी 55 साल पहले बना, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है, हरियाणा भुखमरी में नंबर वन है, हरियाणा के अंदर स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था सबसे खराब है, हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सब बातों की चर्चा होगी कि किस प्रकार हरियाणा को नंबर वन बना जाए, तभी तो देश नंबर वन बनेगा, हर राज्य नंबर वन बने। 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जुड़े, जाति और धर्म को छोड़ दें, पार्टियों को छोड़ दें, हरियाणा और देश को नंबर वन बनाने के काम करें और इस मिशन के अंदर जुड़े, ताकि ये देश आने वाली पुश्तें फिर खुशहाल हो सके, फिर हम एक दुनिया की लीडरशिप को आगे ले जा सके। 7 और 8 सितंबर को हरियाणा में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों रहेंगे। पहले यूथ कन्वेंशन होगा, स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी के छात्रों को इनवाइट किया है, वो हिसार के अंदर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी से मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी उनके सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद 8 तारीख को तिरंगा यात्रा रहेगी और लोगों को संबोधित करेंगे और किस प्रकार से हरियाणा को हम बदल सकते हैं, उन सब बातों पर वहाँ चर्चा होगी। भगवंत मान जी भी साथ में रहेंगे, दोनों दो दिवस के अंदर दोनों के दिन साथ रहेंगे। एक दूसरा मुद्दा है दिल्ली सरकार, दिल्ली की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।